हेलो, कौन? प्रणाम गुरु जी, मैं शुभम उपते बोल रहा हूँ। शुभम शुभम उपते, उपते कहाँ से? छत्तीसगढ़ दुर्ग से। कहाँ छत्तीसगढ़ से? हाँ, दुर्ग। बताइए, तारीख बताइए शुभम जी। ये 24 अगस्त 1994। 24/8/94 समय? समय सर 2:30 के आसपास, एग्जैक्ट नहीं पता है गुरु जी। दिन में, रात में? नहीं, दिन नहीं, दोपहर के। कहाँ का जन्म है? ये सर दुरुप छत्तीसगढ़। शुभम नाम बताया। जी सर। शुभम जी, आपको हमारी ये नंबर या जानकारी कहाँ से मिली? गुरु जी हमारे मामा है, मामा ने सजेस्ट किए थे। अच्छा, वहीं दुर्ग में? अच्छा, नहीं, वो डोंगरगढ़ में रहते हैं, राजेश राउत कहते हैं हम उनको। जी जो तबादला चाह रहे हैं, सिवनी सिवनी छिंदवाड़ा के हैं कहीं के? छिंदवाड़ा जी है ना? मैं सुना रहे थे जी। अब याददाश्त हमारी अच्छी है, जी लाखों लोग जुड़े होने के बाद। चलिए, जी जी आपकी कुंडली को जांचते हैं। जी आपकी कुंडली अगर सही है तो आप दिखने में तो बढ़िया पहलवान जैसे अच्छा शरीर है आपका, जी लेकिन मन से आप डरते रहते हैं, भयभीत और सशंकित रहते हैं, चिंतित रहते हैं। सही है कि गलत? सही है। कुंडली के अनुसार आप अपने हाथों को स्पर्श करके देखिए, छू के देखिए, दोनों हाथ की हथेलियां गर्म रहती हैं। सही है कि गलत? ये अभी तो ठंडी है, गर्म नहीं है। अक्सर गर्म रहती हैं क्या? कुंडली जी के अनुसार पिंक कलर आपको पसंद आता है। सही है कि गलत? नहीं, नहीं गुरु जी, पिंक कलर पसंद नहीं है। ब्लू, आसमानी और पिंक दो पसंद है। जी, आसमानी पसंद। ठीक है, अगर आपकी शादी होती है, बड़ा गंभीर प्रश्न है और अच्छा है, कोई बुरा नहीं, गबराई नहीं। अगर आपकी शादी होती है और दो लड़कियां देखी जाती हैं, जी एक लड़की बिल्कुल दुबली पतली है जी और एक लड़की का चेहरा गोल है, गाल भरे हुए हैं, थोड़ा स्वस्थ है, लड़की हेल्दी है, तो मैं आपको बताता हूं कि पहले नंबर एक की लड़की दुबली है और नंबर दो नंबर की लड़की जो है वो हेल्दी है। जी तो मैं आपकी पसंद बता देता हूं कि दो नंबर की जो थोड़ा हेल्दी लड़की, उसको आप पसंद करेंगे अपनी शादी करने के लिए। सही है या गलत? सही ठीक है। आपकी कुंडली ये भी बताती है, आपके घर के सामने तरफ कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जिसको या तो लकवा लग गया है या उसका कोई अंग भंग, हाथ पैर कटा हो या कोई अंगहीन हो, ऐसा कोई व्यक्ति घर के आसपास सीधा तरफ कोई रहता है? नहीं का तो नहीं, कुछ आइडिया नहीं है। चलिए, आइडिया नहीं ग्राउंड है, है? ग्राउंड है, एक मैदान है, पुलिस ग्राउंड है घर के सामने में। नहीं, पर आसपास कोई रहता तो होगा, सामने कोई परिवार, उसकी बात कर रहे थे। नहीं पता पता नहीं। चलो एक बात और पूछते हैं, आपके घर के आसपास जी। जैसे कोई काट काट कर मछली बेचते हैं, मुर्गी बेचते हैं, ऐसी कोई दुकान घर के आसपास है क्या? जी गुरु जी है, बगल है में है गुरु जी, चार ना बगल में, कदम। जी, 4 कदम की दूरी में है। और राइट हैंड साइड? राइट जी, सही है। जी एकदम सही है गुरु क्या नाम बताया आपने? जी, शुभम शुभम उत्ते। शुभम उत्ते। ठीक जी है, क्या जानना चाहती है बताइए। एक तो नौकरी का पूछना चाह रहे थे कि मेरा गवर्नमेंट जॉब का होगा या नहीं होगा, क्योंकि उस टेंशन में रहते हैं गुरु जी की आगे क्या होगा, मतलब सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी तो नहीं है बेटा, लग जाए तो बड़ा भाग गए। जी गुरु जी की तैयारी कर रहा था गुरु जी, तो वही पूछना था उसका। मैं कोशिश आप कर शादी का भी पूछना था गुरु जी, मैरिज का।
होगा है? कितना समय है मैरिज का, कितना समय है, कैसा रहेगा मैरिज अगले साल होगी, इस साल कहीं ना कहीं बात हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है और अगले वर्ष आपकी शादी होने का योग बनता है जी। लेकिन शादी के बाद आप हमको जरूर याद करेंगे, क्योंकि लड़की को हमेशा समझाते रहना पड़ेगा, थोड़ा विचार भेद रहेगा बहुत जी। गुरु जी इसका ध्यान रखिएगा। और क्या रहना चाहते हैं गुरु जी? एक तो और मेरे पापा हैं, उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती है घर में, और कुछ ना कुछ घर में ऐसा मतलब प्रॉब्लम आती है, झगड़े वगड़े होते रहते हैं आए दिन, मतलब अशांति टाइप से है घर में। देखिए आपके घर में जो पानी का साधन है वो किसी न किसी गलत डायरेक्शन में, गलत दिशा में पानी का साधन है, उसके कारण गड़बड़ी है। दूसरी बात, आपके मकान में अंदर घुसकर सीधे हाथ तरफ जी, मकान से लगाई हुआ छत का कोई ऐसा टुकड़ा है क्या, कुछ थोड़ा मोड़ा छत ऐसा बना है अलग से जो एक गुप्त जैसा है, जिसे कहा जाए कि चारों तरफ से कवर्ड जैसा है, जिसमें कुछ अंधेरा रहता हो या गुप्त स्थान हो ऐसा, वहां पर कुछ कवाड़ टाइप का भरा वैसा है क्या? जी जी गुरु जी, सामने में ही है वो छज्जा बना हुआ है, वो राइट साइड में ही है, जैसे एंट्री मारेंगे तो सीधा सब सामने में ही है ऊपर में। तो इसमें क्या कांच की बोतलें की पानी की बोतलें क्या पड़ा रहता है? जी जी गुरु जी, इसमें बर्तन वर्तन है जो मम्मी लोग को शादी में मिले थे जी, वो पुराने जो दहेज में आते हैं उनके वही है बर्तन, और थोड़ा बहुत सामान है पुराना। इसको खाली करिए, इसको खाली कर दीजिए तो आप लोग सुखी हो जाएंगे जी। गुरु जी आपके घर खाली कर देंगे, हाँ खाली कर दीजिए, दूसरी जगह रख दीजिए। आपके घर में पिताजी को जैसे दमा अस्थमा एलर्जी ऐसी कोई शिकायत है अभी? नहीं नहीं गुरु जी, तीनों नहीं है, उनको डायबिटीज है। नहीं डायबिटीज तो एक आजकल कॉमन हो गई है, वो बात नहीं, लेकिन भविष्य में ये तकलीफ आपके पिताजी को होनी है जी। ठीक है, तो इसका आप ख्याल रखिए, जैसे दीपावली वगैरह में जरा सी डस्टिंग होती, साफ सफाई होती तो आपके पिताजी बेचैन हो जाते हैं जी गुरु जी, एलर्जी हो जाती, सही है जी गुरु जी। तो इसका आप ख्याल रखिए, थोड़ा जगह खाली करिए। और पानी आपका कहाँ पर है जी गुरु जी? पीछे टंकी है, पिछले गेट से जस्ट बाहर निकल के सामने में टंकी है। नहीं तो वो टंकी किस एरिया में पड़ती? उत्तर पूर्व में है, उत्तर तरफ है, उत्तर तरफ है ना, उत्तर में जी। लेकिन पानी क्या पानी बहता रहता है ज्यादा, ऐसा है? हाँ गुरु जी, उसमें बीच में नल का रास्ता बहुत बह रहा था, उसमें टाइम लगा दिया, उसमें नल लगाने में उसका। हाँ तो उसके पानी की व्यवस्था करिए, नल बंद करिए, जो बहता रहता है उसको बंद करिए। और पानी की जो टंकी है ये ऊंचाई पर है क्या? नहीं गुरु जी, नीचे ही है, जमीन में है, जमीन से लगी हुई है जी, उत्तर दिशा में। हाँ उत्तर दिशा में। हाँ तो ये तो ठीक है, कोई बात नहीं है, बस पानी बहना बंद करिए और ये बर्तन खाली कर दीजिए आप वहां से जी। क्योंकि इसमें हम आपको एक बात और बता रहे हैं जी, इसमें ज्यादातर गोल बर्तन है, गोल 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 जी, जैसे थालियां वगैरह ज्यादा हैं इसमें जी, सही है जी। थोड़ा जोर से बोलिए आप। पुरानी स्टील की थालियां है जी, ठीक है ना, और गुंडी जी। हाँ तो गुंडी भी गोल हो गई, थाली भी गोल हो गई जी गुरु जी, जी। तो ये हटा दीजिए जी, आप तो अपने मामा को धन्यवाद देंगे कि ठीक जगह आपने जोड़ दिया जी गुरु जी, बचाया था ना ये। हाँ आप थोड़ा ही मानेंगे, आपके मामा तो मानते ही हैं, जुड़े हैं जी गुरु जी। राउत जी आप भी मान गए कि हाँ, आपको संतोष हुआ हमारे कार्यक्रम से कि नहीं? जी गुरु जी, 94 का जन्म है, नए लड़के हैं आप, आपको क्या लगता है इस तरीके से हम बता रहे हैं, आपको हैरानी हो रही, आश्चर्य हो रहा कि नहीं हो रहा? जी गुरु जी हो रहा है। आप मानते हैं ज्योतिष विद्या सही है कि गलत? जी गुरु जी सही है। एक बार पर्सनली मिलना चाहूंगा, जबलपुर आके कभी आना हो तो जबलपुर में मिल लीजिए, या एक काम करिए हमारे साथ व्हाट्सएप में जुड़ जाइए, हम रायपुर आते हैं।
जुड़े जी हाँ। तो रायपुर में पंडवी होटल में, पंडवी में हम एक होटल है वहाँ पर बैठते हैं, पंडवी एरिया में जी। अभी कोरोना के कारण एक आध साल से आना बंद कर दे रही, तो हर महीने डेढ़ महीने हम रायपुर आते हैं वहीं पर भेंट हो जाएंगे, है कि नहीं जी। अब आप युद्ध स्तर पर इसे शेयर करिए ताकि लोग, क्या नाम बताया आपने, शुभम शुभम शुभम। अब कोशिश ये रहे कि आपके नाम से लोग हमारे पास फोन करें कि मुझे शुभम उपते ने नंबर दिया है जी गुरुजी, तब हम जानेंगे कि आपने शेयर किया है, क्योंकि जब शेयर करेंगे तो लोग जुड़ेंगे, लोग जुड़ेंगे तो आपका नाम बताएंगे जी गुरुजी। क्योंकि अगर आपको लगता है कि ज्योतिष विद्या सही है, सनातन धर्म सही है, तो इसका प्रचार क्यों ना किया जाए। भाई एक बात बताइए, एक ढोंगी ज्योतिषी का, एक ढोंगी बाबा का प्रचार करने में शर्म संकोच होना चाहिए, ठीक है जी। लेकिन जो एकदम परफेक्ट है कि यहाँ पर बैठकर बता रहे कि यहाँ पर गोल गोल बर्तन रखे हैं और तुम्हारे पानी टंकी से पानी बह रहा है जी। अब जो जो बता रहे हैं एक एक बात सही है जी। तो इतना सटीक ज्ञान है तो फिर ऐसे ज्ञान को प्रचारित करना चाहिए कि नहीं, आप बताइए। तो थोड़ा सा शेयर करिए, आप रोजाना शेयर करें, क्योंकि हमने आप लोगों की समस्याओं के ढेर सारे समाधान YouTube में शॉर्ट वीडियो के रूप में डाल रखे और बड़े प्रमाणिक जानकारी देते हैं। हम कोई लाग लपेट वाली बात इसलिए नहीं करते शुभम कि हमारी एक गलत बात से ज्योतिष विषय बदनाम हो जाए, और हम नहीं चाहते कि हमारी, तो ठीक है ज्योतिष विषय की बदनामी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह हमारे ऋषि मुनियों की, पूर्वजों की, साधु संतों की धरोहर है भाई जी। आज का आदमी कुछ नया तो नहीं कर सकता ज्योतिष में या धर्म में या पुराणों में, तो कम से कम उस धरोहर को संभाल ले इतना ही काफी है, है कि नहीं जी। अगर आप हमारे विचार से सहमत हैं तो आप लोगों को जरूर शेयर करना चाहिए। गुरु जी एक चीज पूछना था, वो मेरी नौकरी कब तक लगेगी अभी? देखिए प्राइवेट नौकरी के योग हैं, सरकारी के योग तो बहुत अच्छे नहीं है जी। और हमें लगता है कि भविष्य में आप स्वतंत्र व्यापार करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे जी। गुरु जी एक कंफ्यूजन में रहता था गुरु जी, क्योंकि मुझे कुछ नया बिजनेस लगा तो मैं वो अच्छा लगने लगता था, भैया भैया कोई नौकरी अच्छी फ्री में चले जाता था। उसका कारण है, उसका कारण है कुंडली बताती कि आप स्वभाव से भोले व्यक्ति हैं, इसलिए जैसी परिस्थिति होती है आपका मन बदलता रहता है, आपकी नींद बहुत कमजोर होगी, गहरी नींद लिया करें आप, नींद कच्ची होगी, और ये लिख कर रखें आप जीवन में बहुत पैसे वाले आदमी बनेंगे। बस कोशिश ये करें कि जितना पैसा आए उतने विनम्र होकर दूसरों की मदद करें, पैसे का अहंकार न करें, भगवान की माया है उनने दी है उन्हीं के लोगों में खर्च करते रहे, ठीक है चलो ठीक है। समस्याएं आपकी हैं, समाधान है।